बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीख कबाब, और ये हम जो है वो इंडोर ग्रिल पे बनाएंगे। आप चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। जिस तरह आपको इजी हो उस तरह आप बना सकते हैं। हम इसको जो है वो इंडोर ग्रिल पे बनाएंगे। तो ये हमारी आज की रेसिपी है, इसको पूरा देखिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप सुहेल्स किचन्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी रेसिपीज़ हम इस पे शेयर करें आपको वो फौरी तौर पे मौसूल हो जाएं। अच्छा, चिकन का सीख कबाब बनाने के लिए मैंने ये तकरीबन 2 किलो जो है वो चिकन का कीमा लिया है। आपने रेगुलर कीमा लेना है, नॉर्मली वैसे रेगुलर ही मिलता है, और इसको हमने दोबारा चॉपर में चॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। और जो चिकन के सीख कबाब या चिकन का टिकिया कबाब या चपली कबाब हम बनाते हैं, तो उसमें हमें इसको बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो ये संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वो जो इंग्रीडियंट्स मैं डाल रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर हम चीज़ें वो डालें जिसमें पानी कम से कम हो। तो ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 3-4 हरी मिर्चें, इनको लेके चॉपर में चॉप कर लिया अच्छी तरह, और फिर इनको छलनी में रख दिया, या आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के इसको इस पानी अच्छे से निचोड़ लें। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप जितना ड्राई डालेंगे उतना अच्छा आपको सीख कबाब का रिजल्ट मिलेगा, और सीख कबाब जो है आपका उस पर से नहीं गिरेगा सीखों पर से। अब मैं इसमें डालूंगा पाउडर वाला लहसुन। मैं इसके अंदर पिसा हुआ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि कम से कम हम इसके अंदर जो है वो पानी वाली चीज़ें डालें। तो ये मैंने डाला लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, और ये अब मैं डालूँगा अदरक पाउडर, तो ये भी हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ये दोनों हम पाउडर के फॉर्म में डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ मसाले हैं जो ज़्यादातर मसाले से पिसे हुए जाएंगे, और ये जो है ये पिपली है। पिपली मैं डालूंगा, लेकिन पिपली मेरे पास पिसी भी नहीं है, तो मैं जो मसाले इसके अंदर डाल रहा हूँ उनके साथ मिक्स करके इसको पीस लूँगा, तो फिर जो है वो सारा मसाला पिसा हुआ हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, और 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, और 1/2 टीस्पून मिक्स करके जायफल, जावित्री और बादियान का फूल। ये मैं अभी इसमें इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ऑलरेडी मेरे पास पिसा हुआ है, लेकिन क्योंकि मुझे ये पिपली पीसनी है और ये खाली इतनी सी पिसाएगी नहीं, तो मैं उसके साथ मिला के उसको पीस लूँगा, और फिर जब वो रेडी होगी तो फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने जो आपको मसाला बताया था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने मसाला सारा मिक्स करके एक साथ पीस लिया, तो पिपली जो है वो बिल्कुल पिसा गई। अगर मैं उसको अकेले में करता तो वो नहीं होती। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक हो गई। अब मैं ये इसके अंदर डाल दूंगा, इससे आप देखिएगा कि आपके जो कबाब हैं उनका फ्लेवर कितना ज़बरदस्त आएगा। और फिर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखें, हर चीज़ आपकी इसमें बगैर पानी के डली है, क्योंकि आप इसमें जितना कम पानी रखेंगे आपके सीख के कबाब उतने अच्छे बनेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज पीसी है, प्याज और हरा धनिया मैंने चॉपर में उसको कूटा अच्छे से, मतलब उसको समझें एक तरह से चॉपर में चॉप किया, और फिर उसको हाथ से दबा के ये छलनी में डाल के या मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी पूरा निचोड़ लीजिए, क्योंकि जितना आपका ये ड्राई होगा ये बहुत अच्छे से आपके सीख के ऊपर चढ़ेगा, अदरवाइज़ ये जो है वो फिर सीख पे से गिरता रहेगा। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगा। मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगा ऐसे ही, ताकि ये मसाला सारा इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। नमक मैंने आपको बता दिया, इसमें हसबे ज़ायका मैंने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मसाला जो है, मसाला हम इसमें डालते हैं लेकिन मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकन का अपना एक बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देंगे तो चिकन का जो एक फ्लेवर है वो दब जाएगा। अब आप ये देखें कि कीमा कितना ड्राई है, ये देखें, ये मेरे हाथों में भी नहीं चिपक रहा। नहीं तो अगर आप कीमे का नॉर्मली चिकन का लोग बनाते हैं तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा हाथ में चिपकता है। तो इसलिए जब भी आपको कीमे का बनाना हो, चिकन के कीमे का ख़ास तौर से, तो आप एक दिन पहले इसको छलनी में रात को रख दीजिए। रात भर में इसका जितना पानी निकल सकता है निकल जाएगा, और फिर जो भी चीज़ें आप इसमें डालें तो कोशिश करें कि वो पानी वाली ना हो बल्कि ड्राई हो। तो बस ये मैंने इसमें सब चीज़ें मिला दी हैं। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगा, और फिर जब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, मैंने ये मसाला लगा के रखा था चिकन सीख कबाब का,
तो मसाला जो है ये बिल्कुल पी चुका है। इसको आप एज अ गोला कबाब भी बना सकते हैं और आप इसको सीख कबाब भी बना सकते हैं। तो हम इसका सीख कबाब बना रहे हैं। तो इसमें हम ये करेंगे कि एक अच्छा बड़ा सा पेड़ा जिसको कहते हैं या गोला, इस तरह से आप कीमे का लेंगे और ये मेरे पास ये वाली सीख है चपटी वाली। आप कोई सी भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉस वाली यूज़ करनी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको चपटी वाली यूज़ करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ये लगाऊंगा और फिर इसको हम बना के रख लेंगे और फिर अभी हम इसको बारबेक्यू पे अपनी इंडोर जो ग्रिल है हमारे पास उसके ऊपर बनाएंगे। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको बनाना है। आप चाहें तो ज़रा सा पानी का छींटा भी इस पर मार सकते हैं ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा ये चिपक जाए, वैसे ही चिपक रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फैट होगा जितना उतना अच्छा रहेगा। ये देखें ये इस तरह से हम बना देंगे और फिर इसको जो है वो इंडोर ग्रिल पे रखेंगे। तो बस मैं सारी ये रेडी करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने इसकी चार सीखें बना ली हैं, अब मैं इसको इंडोर ग्रिल पे रखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैंने जो ये सीख कबाब बनाए हैं ये मैं यहाँ पे इस पर रख दूँगा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके रखूँगा और फिर जैसे जैसे ये बनता जाएगा मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊँगा। अच्छा, वैसे मैंने इसके अंदर अभी ऑयल नहीं डाला है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फैट होता है, तो इसलिए हम इसमें शुरू में ऑयल नहीं डालते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि मुझे थोड़ा सा ऑयल लगाना चाहिए तो मैं लगाऊँगा। तो अभी मैंने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं डाला। आप देखें इसके अंदर जो फैट है वो खुद ही पिघल पिघल के गिर रहा है और नीचे देखिए कितना जमा भी हो चुका है। तो इसी तरह से अभी हम इसको बस एक साइड पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं सीख कबाब। तो अब ये जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको साथ साथ दिखाते जाऊँगा। अच्छा, मैंने आपको देखिए कहा था कि मैं देखूँगा कि अगर इसमें मुझे लगेगा कि ऑयल डलना चाहिए तो मैं ऊपर से हल्का हल्का लगाऊँगा, लेकिन मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि आपको इसमें अगर नज़र आ रहा है तो आप देखिए नीचे कितना ऑयल ऑलरेडी जमा हो गया क्योंकि इसमें फैट है, ज़्यादा वो पिघल रहा है, पर इसमें जो ये बनेगा तो उसका फ्लेवर ही कुछ और होगा। तो बस इसी तरह भी हम इसको बनाते जाएंगे। मैं साइड से पलटता जा रहा हूँ और फिर आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। तो ये जनाब हमारे सीख कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, आप चाहें इसको इससे भी ज़्यादा पका सकते हैं, इससे कम भी पका सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। नॉर्मली इसको इतना ही पकाना चाहिए क्योंकि देखें इस तरह से ही कितना जूसी बना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये ड्राई हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, बड़ी आसान है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको ज़रूर बनाइए। और ख़ास तौर से ये समर में तो खैर बहुत ही मज़ा आता है, हम लोग क्योंकि इसको बाहर मजबूरी है हम नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसको आज घर में बनाया। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगे। अच्छा, मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि इस सीख कबाब को हम पराठों के साथ, चटनी और प्याज के साथ सर्व करेंगे। तो क्योंकि मेरा मकसद आपको सीख कबाब दिखाने का था तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ सीख कबाब इस तरह से दिखाए हैं। तो अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।